आपको कैसा लग रहा है मुझे छोड़ के जा रहे हैं? कुछ तो वाह, कैमरा खोलो, सारे शुरू हो जाते हैं। मैं चुप कर जाती हूँ, आप लोग पीछे अपना बैकग्राउंड म्यूजिक देते रहे। मैं पीछे से तालियां बजा जाके ना कहती हूँ धुंधला ना। बॉनफायर हो रहा है ये तो। एंड गाइस, हमारे घर बारबेक्यू हो रहा है, अंधेरे वाला बारबेक्यू। लाइट ही चली गई। कैंडल लाइट नहीं, बल्ब लाइट डिनर हो रहा है। आधी रात को 12 बजे हम लोग ना यहाँ पे बारबेक्यू कर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आप भी कुछ बोलें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? क्या हाल है आपका? और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं तैयार हो गई हूँ। सुबह सुबह टाइम देखें ज़रा, आज आपकी बहन कितने बजे उठी है। और मैं तैयार हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ, ये देखें। पाँच बजे भी उठना पड़े तो लड़कियाँ उठ जाएंगी। आपको मेरी मम्मा से कोई प्रॉब्लम है? तो फिर लड़कियों से प्रॉब्लम है तो मैं लड़की हूँ, अगर आप अगर आपको याद हो तो। मुझे पता है माँ के घर जाने के लिए उठ जाना है, अगर उठते ही जाना होता तो 8 बजे का कह के 12 बजे उठता। ऐसी भी बात नहीं है, आप एग्जैजरेट कर रहे हैं। मैं तो उठ ही जाती हूँ, लोगों ने देखा ही हुआ है। मैं मतलब उठ जाती हूँ जल्दी, मुझे कोई मसला नहीं होता। आ रही हूँ मैं तो, हमें बहुत देर हो रही है क्योंकि मुझे तो मैंने काम पे जाना, और उनको काम से मैंने देर करा दी है। तो मैंने क्या करना था, मैंने पैकिंग शेकिंग करनी थी, और उसके अलावा मैंने माइक रखना था क्योंकि साउंड का बड़ा इशू हो जाता है। तो माइक रख ले। ओए किधर गए हो तुम? इधर आओ। कहाँ चले गए? छोटे मियाँ सो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। तो ये वाला सीन है, इसको भी पकड़ो, ये भी मेरा ही है, ये लवारिस तो नहीं है। तो जी मैं तैयार शहर हो गई हूँ। ये नए तरह का लिप शेड लगाया मैंने, आप लोग बताएं कैसा लग रहा है। ये भी टिंटी है, वो जो टिंट्स है ना, जो जिसके बारे में सब पूछते हैं, ये उनमें से एक शेड है। मुझे तो मज़े का लग रहा है। तो निकलते हैं, मैं जाऊँगी ट्रेन पर, मुश्तबा उतारेंगे मुझे स्टेशन पर। तो ये मेरा बैग है, मैं ये भी पकड़ूंगी और मैं ये भी पकड़ूंगी क्योंकि मैं व्लॉगर होती हूँ। व्लॉगर। ओह माय गॉड, तो उनको सांस लेने, तो फिर उन्होंने कहना मेरा सांस रुक गया। और जब मैंने मोबाइल पे अभी टाइम देखा तो 10:43 समथिंग हो रहे थे, अब 10:59 हो गए। तो ना मुझे कहती है 11 बज गया, उठ जाओ, और मुझे उठा के खुद बैठ चुकी। आप बताइए इसको क्या कहते हैं, इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ? एंड गाइस, अब यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। मेरी मम्मा के साइड पे ना ट्रेंड है कि हम लोग ना बेकरी का नाश्ता करते हैं, और हम सारे बहन भाइयों को ना ये नाश्ता बहुत पसंद है। और ये एक ही बेकरी है जिससे हम लाते हैं, एक बालटाउन में रहीम स्टोर है, उनकी बेकरी आइटम्स बहुत मज़े की होते हैं। तो ये वहाँ से जाके मेरी बहन और भाई अभी लेके आए हैं, और अब हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। बड़ा ही मज़ा आता है मुझे ऐसे नाश्ते करने का। एंड गाइस, अब हम निकलने लगे हैं, हम जा रहे हैं बस। इतना छोटा कैसे हो मेरे घर वाले, अल्लाह शुरू हो जाते हैं। मैं चुप कर जाती हूँ, आप लोग पीछे अपना बैकग्राउंड म्यूजिक देते रहे। मैं पीछे से तालियां बजा बजा के ना कहती हूँ धुंधला ना। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, या अल्लाह। सो गाइस, मैंने आपको बताया था कि मैंने लेना मुश्तबा का गिफ्ट। मैं बात शुरू करती हूँ और ये लोग शुरू हो जाते हैं। तो मैंने वो चिट्स वाला उनके साथ कर लिया था, तो उन्होंने जो चीज़ चूज़ की थी ना, मैं वही लूँगी उनके लिए। और मैं व्लॉग में नहीं वो कर सकती रिवील, क्योंकि ऑब्वियसली वो देखते हैं और उनको सब पता चल जाएगा। इवन उन्होंने मेरे हाथ से बहुत सारी कोशिश की पर्ची भी छीनने की, लेकिन वो नहीं छीन सके, और मैंने फाड़ के फेंक दी थी। तो उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है मैं क्या लाने वाली हूँ। तो बस चलते हैं एम्पोरियम, और मैंने और भी 2-3 चीज़ें लेनी है तो लेते हैं। साथ में मैंने सुना काफ़ी सारी सेल्स भी लगी हुई हैं, तो देखते हैं क्या है आज। एंड गाइस, हम एम्पोरियम पहुंच चुके हैं। जैसे एम्पोरियम एंटर हुए ना, एसी की ठंडी हवाएं आना शुरू हो गई। ऑल दो हमारी गाड़ी में एसी चल रहा था, लेकिन एकदम से उसको क्या हुआ पता नहीं, बंद हो गया। एंड बस फिर ना पूछें क्या हालत हुई होगी हमारी। ये देखें जी, डायबिटीज़ के पेशेंट का क्या हाल होता है।
इसी सफ़ायर की सेल का आलम देखें, ये सफ़ायर की सेल का लंगरखाना का था, लग रही है ऐसे लग रहा है यहाँ पे लंगरखाना बट रहा है, लोग नीचे बैठ के दिली में इंजॉय कर रहे हैं जबकि यहाँ पे सेल लगी हुई है, और जो लोग थक गए हैं शॉपिंग करके वो शायद इसलिए बैठे हुए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, इतना रश। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो मैंने कहा क्यों ना कि हम ना कॉर्नस खा लें, कुछ खा लें हल्का फुल्का सा, तो मैंने यहाँ पे कॉर्नस बनवा रही हूँ जो कि बहुत ही स्पाइसी हैं और बड़ा मज़ा आता है मुझे कॉर्नस खा के। मैं जब भी एम्पोरियम आती हूँ ना हमेशा खाती हूँ, मतलब नॉट अ सिंगल टाइम मैं कभी कॉर्नस खाए बगैर वापस गई हूँ। इतना थक गई मेरे घर वालों ने मुझे चला चला के थका दिया, मेरी बस हो गया, मैं उनको छोड़ के आगे एक जगह कोने में बैठ गई। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। अभी भी वहाँ पे खड़े हैं और मतलब ऐसे ही लगे हुए हैं, मैं थक गई हूँ, फल्ला मेरी बुरी हालत हो गई है। एंड गाइस अभी हम लोगों ने ना खाना ऑर्डर किया है और बस अभी रेडी हो जाएगा तो फिर हम ना मतलब ले लेते हैं, और बहुत ज्यादा भूख लगी है, बहुत जोर की रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना, थक गई हूँ मोमिन मैं बहुत ज्यादा, कसम से ऐसे लग रहा है कमर टूट गई है। अभी चलते हैं, पहले मैं कुछ खा लूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। कौन ये भी है? वो चला गया। एंड गाइस अब यहाँ पे हम लोगों ने जो खाना ऑर्डर किया था वो आ चुका है, और हमने रेंचर्स की डील ली है जो कि जिसमें एक पिज्जा मीडियम पिज्जा एंड 4 बर्गर्स थे जो कि आ चुके हैं और हम खा रहे हैं। मुझे कहती है आपकी स्किन खराब हुई हुई है, आप उस पर क्या लगाती हैं? क्या कह रही थी बाजू? कहती आप मुँह पे कुछ लगाती नहीं है, तो मैंने कहा मेरी स्किन खराब हुई हुई थी, अब ठीक हो गई है। मैं मॉल में ना मतलब ब्लॉग बना रही थी ना, तो लोग मुझे इतने अजीब तरीके से देख रहे थे, मुझे इतना अजीब लग रहा था, मैं चल रही थी वहाँ पर, सब मुझे देख जा रहे उठे ससुराल सोने 30 minutes later. And guys, हमारे घर बारबेक्यू हो रहा है, अंधेरे वाला बारबेक्यू, लाइट ही चली गई है। लोगों ने मम्मा पापा की जो एनिवर्सरी है ना वो सेलिब्रेट करनी थी, तो तब मुहर्रम था इसलिए हमने नहीं की, तो अब हम लोगों ने प्लान में अभी हम लोगों ने बारबेक्यू स्टार्ट करा था, लाइट चली गई। पक्षी भी बीच में रख दिए। बोनफायर हो रहा है ये तो, गरीबा का बोनफायर। ओह यार ये कितनी औसम है। क्या कह रहा है? क्या बच्चे नजर नहीं आ रहे? हाँ जी, अंजिला के बालों पे बबल लग गई है। ये हमारे घर के अच्छे दामाद, ये देखिए जो टॉर्च लेके बैठे हुए हैं और लाइट नहीं आ रही, ऐसा दामाद होना चाहिए सबका। एंड गाइस ये हमारा कैंडल लाइट नहीं बल्ब लाइट डिनर हो रहा आधी रात को 12 बजे, हम लोग ना यहाँ पे बारबेक्यू कर रहे हैं। एंड गाइस मुश्तबा अब घर जा रहे हैं और मैं उनको सी ऑफ करने लगी हूँ। आपको कैसा लग रहा है मुझे छोड़ के जा रहे हैं? मुश्तबा इतने तंग थे आप मेरे से? तंग तो नहीं था, बस ज़्यादा शोर नहीं होना, ये है कि एक रात सुकून से गुजारूंगा और आधा दिन सुकून से। मैं नहीं, मैं तो आपको चुटकियां काटती हूँ ना। नहीं तो हाँ मुझे लग यही रहा है कि मैं इनको चुटकियां काटती हूँ, अपना पोटला ले जाए। चले हैर से जाए, पहुंच के मैसेज कर देना मुझे। सेकंड बाइक तक ले लूंगा। और गाइस बस ये व्लॉग यहीं पे करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।